गुड इवनिंग एवरीवन। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हमेशा बेरिश माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरीके से आज मैं आपको बताऊंगा कैसे एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हमेशा बुलिश माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट करते हैं। जब भी आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी का पहले बैकग्राउंड चेक कीजिए, फंडामेंटल टेक्निकल दोनों प्रॉपरली एनालाइज कीजिए, उसके बाद उस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन जो फिक्स माइंडसेट के साथ काम करते हैं, बुलिश माइंडसेट के साथ काम करते हैं, वो स्टॉक को बिना मतलब हाइप करते हैं, विदाउट चेकिंग द बैकग्राउंड एनालिसिस, विदाउट चेकिंग द टेक्निकल लेवल्स, दे कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। और जहाँ पे उनका टेक्निकल लेवल नहीं होता है वहीं पे उनका इन्वेस्टमेंट इनकंसिस्टेंट होता है। तो जैसे आप एक फिक्स बेरिश माइंडसेट के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसी तरह से फिक्स्ड बुलिश माइंडसेट के साथ आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर मार्केट का ट्रेंड देखना है, स्टॉक का एनालिसिस करना है और उसके बाद इन्वेस्ट करना है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को हम कहते हैं बुलिश माइंडसेट इन्वेस्टर्स। थैंक यू।